सच में तो दिव्य ध्वनि ही है। उस दिव्य ध्वनि का सार यहां बतलाया और बतलाते हुए ये कहा कि दिव्य ध्वनि में साक्षात अरहंत परमात्मा अरहंत बनने की विधि बताते हैं। अरहंत कैसे बना जाए, अरहंत बनने का मार्ग क्या है, अरहंत बनने की विधि क्या है, किस विधि से अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है, इस दिशा में सबसे पहले दर्शन मोह का अभाव होता है और दर्शन मोह के अभाव की प्रक्रिया में जब दर्शन मोह का अभाव होता है तो उससे पहले आत्म तत्व का दर्शन माने आत्मा का दर्शन हुआ और दर्शन मोह गया। और जो आत्मा का दर्शन होता है उसके पहले जिनेंद्र दर्शन होता है। कितनी वैल्यू है सोचो आप जिनेंद्र दर्शन की। मैं तो मुंबई के उन लोगों को कहना चाहूंगा जिनको रोजाना दर्शन नसीब नहीं होते, आप कल्पना नहीं कर सकते हो जिनेंद्र देव के दर्शन की कितनी महिमा है। ये जिन दर्शन निज दर्शन में निमित्त बनता है जिनेंद्र भगवान का दर्शन। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूं जिनके जीवन में जिनेंद्र देव के दर्शन करने का अवसर नहीं मिल रहा है इसका मतलब वे अभागे हैं। भाई ये कितनी भी अनुकूलताएं हो, कितनी भी फैसिलिटी हो, कितनी भी सुविधाएं हो, लेकिन साक्षात जिनेंद्र देव के दर्शन का सौभाग्य जीवन में ना मिले तो वो सौभाग्य भी दुर्भाग्यवत पलता है। ये जिनेंद्र देव तो उस मिरर के समान है जो मिरर देखने पर हमें अपना चेहरा दिखता है। मिरर देखते हैं कि नहीं, दर्पण देखते हैं, दर्पण देखते हैं नहीं। मैं प्रश्न दोबारा पूछता हूं तो आपका जवाब बदल जाता है। आप दर्पण देखते हैं कि नहीं, तो दर्पण देखते नहीं है, दर्पण देखते हैं, चेहरा देखते हैं। तो चेहरा देखते हैं तो चेहरे की तरफ देखते हैं कि दर्पण की तरफ देखते हैं, कि दर्पण की तरफ देखते हैं तो दर्पण देखने के लिए दर्पण देखते हैं कि चेहरा देखने के लिए दर्पण देखते हैं, चेहरा देखने के लिए दर्पण देखते हैं। चेहरा देखने के लिए जब आप दर्पण देखते हैं तो आप दर्पण देखा कि चेहरा देखा, चेहरा देखा ना। जगत जन भले ही ये कहे कि इन्होंने मिरर देखा, लेकिन सच्चाई यह है
हमने अपना चेहरा देखा है। जिस व्यक्ति के चेहरे पर दाग लगा होने पर यह कहा जाए कि जा दर्पण देख के आ, और वो देख के आने के बाद भी चेहरा साफ ना करे, तो हम क्या कहते हैं? मूर्ख है। ऐसे ही यहां कहा कि जा अपना चेहरा देख कर आ, कि कहां देखना है कि वेदी पे विराजमान है मिरर, वो है प्रतिबिंब, वो है झलकन। जिनेन्द्र देव को देखो, और जिनेन्द्र देव को देखने पर जिनेन्द्र ना दिखे, जैसे मिरर की तरफ दृष्टि होने पर मिरर ना दिखे, ऐसे जिनेन्द्र देव की तरफ दृष्टि होने पर जिनेन्द्र ना दिखे तो क्या दिखे? जिन जे देह देवल में विराजमान जिन नजर आए उनको देखने पर, तो उनको देखा सच्चा देखा कहा जाता है। फिर तो यहां मिलान करने की बात कही है। उनके बहिरंग स्वरूप को देखो, कैसे दिखते हैं हमारे परमात्मा, कैसे दिखते हैं? अभी छोटे बच्चे होते ना तो हम कहते चलो भगवान बन जाओ। अब आप लोगों को तो क्या कहें, ठीक है ना? हमारे बड़ों को नहीं कह सकते हम कुछ भी। हाँ, बड़े खुद ही बन जाए तो अच्छी बात है। भगवान को देखकर क्यों देखना, भगवान को कैसे देखा जाता है, भगवान को कैसे दर्शन होते हैं भगवान के? जो जैसा होता है उसके दर्शन उसी प्रकार होते हैं, ऐसा नियम है। हमारे भगवान वीतरागी हैं। अब वीतरागियों के दर्शन कैसे करते हैं? आप दीपक जी की शरण में जाओगे तो राग से कराएंगे, गागा के राग से, तो वीतरागियों के दर्शन कैसे करना बताओ? वीतराग भाव से करो भाई साहब, वो वीतरागी हैं। वीतरागियों के दर्शन वीतराग भाव से किए जाते हैं। क्या दिखा रहे हैं वो, उनका जीवन क्या दिख रहा है, उनको देखने पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक बार गहराई से निरखो अंग अंग जिनवर के, तो आपको जिनवर नजर आएंगे, आपको जिन प्रतिमा नजर नहीं आएगी, आपको उनमें भगवान स्वरूप नजर आएगा। हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, नासाग्र दृष्टि दिखाई दे रही है, शांत मुद्रा दिखाई दे रही है, उनके चरण कुछ कह रहे हैं, उनके हस्त युगल कुछ कह रहे हैं, उनके नेत्र युगल कुछ कह रहे हैं, उनकी अंतर्मुखी वृत्ति कुछ कह रही है। कह तो रही है लेकिन सुनाई दे रहा है क्या? कह रही है कुछ, कह रही है कुछ, कह रही है, सुनाई तो दे नहीं रहा है हमारे को, कहां कहां कह रही है। बोलते हैं भगवान, बातें भी करते हैं, कभी कभी करते हैं जब मूड में होते, कर लेते हैं कभी कभी अकेले में जब जाते हैं ना कभी, और शांत मुद्रा को देखें तो मूड में होते हैं तो बोल लेते हैं कभी कभी। एक दिन बोले मेरे से आपके ऊपर वाले शांतिनाथ भगवान, कोई नहीं था, मैं अकेला था शैलेश भाई, और दर्शन करने के लिए खड़ा हुआ वहां, और अचानक कुछ आवाज आई मेरे कान में कि क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो, कौन बोल रहा है? इधर उधर देखता हूं तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आवाज जरूर आ रही है, क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो? समझ में नहीं आया। सामने भगवान की तरफ देखा तो कुछ लगा शायद आवाज इधर से तो नहीं आ रही है। क्या बोले बाबू भाई, क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो? कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो, ऐसी आवाज आई सामने से। रोज रोज बोलते हो, रोज वही भक्ति, राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी देव, वीत राग भेटियो वे, रोज रोज वही वही भक्ति, वही स्तुति, वही विनय पाठ, वही शांति पाठ, रोजाना 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 सुनाता है। तो आवाज क्या आई, क्या बोले भगवान मुझसे? जब पता लगा मुझे कि सच में भगवान ही बात कर रहे हैं, यहां तो और कोई है नहीं, वो बोले क्यों रोज रोज मुझे तंग करते हो? कहते तो रोज हो लेकिन कभी नहीं सुधरते हो। मैं कुछ बोल पाता तो बोले क्यों पीते हो इतनी मोह मदिरा को, ऐसा बोले मुझसे। मैं क्या जवाब देता उनके सामने, मैं कुछ बोलता उसके पहले सामने से एक और आवाज आई,
जानता हूं जानता हूं, सर्वज्ञ है भाई, सब जानते हैं, जानता हूं जानता हूं, तुझ पर है नेतागिरी का असर, इस कारण छोड़ता नहीं बोलने में कोई कसर। नेता लोग क्या काम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहां भगवान के सामने आता है और हाथ में अर्घ लेकर के रोज सुनाता है, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, सुनाता तो रोज है, जानता हूं तुझ पर है नेतागिरी का असर, इस कारण छोड़ता नहीं बोलने में कोई कसर। घबरा गया मैं तो, डांट लगाई उन्होंने मेरे को। मैंने कहा मगर, बोले मगर क्या, भूल गया 84 के चक्कर को? कहा नहीं भगवान, कहा भूल गया, ये 84 के चक्कर को याद रखता हूं इसलिए तो आपकी शरण में आता हूं, ये 84 के चक्कर नहीं खाने हैं इसलिए तो आपके चरणों की शरण में आया हूं। तो भगवान क्या बोले, बोले मेरे पास चक्कर लगाने से काम नहीं चलेगा, एक प्रतिज्ञा देता हूं उसे याद करना पड़ेगा। मैंने कहा बोलो प्रभु क्या कहना है? बोले जो निगोद में, सबको याद है, आपसे भी कही थी क्या भगवान ने, जो निगोद में सोई तुझ में और सोई मोक्ष मझार, याद रखना इसको कि क्या होगा प्रभु इससे, कि जो निगोद में सोई तुझ में, मुझ में नहीं, वो तो मेरे को तो समझा रहे थे ना, जो निगोद में सोई तुझ में सोई मोक्ष मझार, जिससे कि तुझे ना आना पड़े पुनः मेरे पास। ये जो रोज रोज का चक्कर है ये शोभा नहीं देता, कब तक चक्कर लगाते रहोगे, ये चक्कर मिटना चाहिए अब तो। ये कैसे मिटेगा ये चक्कर, इस चक्कर को कैसे मिटाएं, इस चक्कर को मिटाने का कोई उपाय हो तो बतलाओ। कि एक उपाय है कि साहब आपने ये कह तो दिया कि जो निगोद में और सोई मोक्ष और सोई मुझ में, भरोसा नहीं हो रहा मेरे को, कहां आप परमात्मा और कहां मैं पावर, कहां आप सर्वज्ञ और कहां मैं अल्पज्ञ, कहां आप वीतरागी और कहां मैं रागी, कहां आप परमात्मा और मैं संसारी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप एक समान कैसे कहते हो। बोले दृष्टि बदल के देख, ऊपर के कपड़ों से मत देख, चश्मा उतार के देख, चश्मा लगा के कि उतार के, उतार के तो दिखेगा नहीं बाबा कुछ भी, चश्मा बदल के देख, दृष्टि बदल के देख, निगाह बदल, एक बार देखने का नजरिया बदल, ऊपर ऊपर से मत देख, ऊपर के कपड़ों को मत देख, ऊपर की स्थिति को मत देख, थोड़ा अंदर से देखने का प्रयास कर, थोड़ा अंदर से देखते हैं तो जैसे अरहंत हैं वैसे अपना स्वरूप नजर आता है। सिद्धों से मिलान नहीं किया भाई साहब, इसलिए नहीं किया कि सिद्धों से हमारा कहीं मेल नहीं खाता, द्रव्य दृष्टि से तो मेल खाता है, अरहंतों से पर्याय में भी मेल खाता है क्या, वो पर्याय से जो मेल खाता है, जो कुंद कुंद स्वामी बतलाएंगे सो तो आगे पढ़ेंगे, अभी जितना मोटे मोटी बुद्धि वालों को समझ में आता है उतना देख लें, उनके मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। अरहंत भगवान के अरहंतों के अभी अरहंत अवस्था में कौन सी आयु का उदय चल रहा है, और हमारे कौन सी आयु का उदय चल रहा है, पर्याय की बात कर रहा हूं, जो उदय चल रहा है ये पर्याय की बात कर रहा हूं, द्रव्य की बात तो नहीं है, उनके मनुष्यायु का उदय अभी अभी जो कुंदकुंद स्वामी बतलाएंगे महाराज, वो तो बाद में पढ़ूंगा मैं, वो तो बारीक बात है, वो मिलान भी करेंगे, वहां तक तो पहुंचेंगे अभी अपन, अभी तो अपने को जो समझ में आता है मोटा मोटा, नए आदमी को यदि पहली बार आने वालों को कुछ समझाए तो इतना तो समझ में आता है ना कि उनके भी कुछ आयु कर्म शेष है, अभी अघातिया कर्म बचे हैं, उनके भी शरीर है और हमारे भी शरीर है, उनके मनुष्य आयु है हमारे भी मनुष्य आयु है, वो अभी इस मध्य लोक में ही है और हम भी मध्य लोक में ही है, ये समानता नहीं है क्या हेमचंद जी साहब, क्या ये समानता नहीं दिखती है, ऐसा देखने पर हमें क्या ऐसा नहीं लगता है। देखो कोई व्यक्ति कितने भी संपन्न क्यों नहीं हो, बहुत संपन्न है और अपने बंगलों में रहते हैं, जहां भी रहते हैं,
तो वो और कहां हम अपनी झोपड़ी में रहने वाले और कहां वो बड़े बंगले में रहने वाले। लेकिन देवलाली आए तो बगल वाले कमरे में ठहरे, बोले जैसे तुम वैसे हम। अभी तो एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, रूम नंबर 5 में तुम रुके हो तो 4 में हम रुके हैं, एक जैसे क्या फर्क पड़ गया। कि नहीं नहीं तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं कि होंगे मुंबई में। अभी देवलाली में है तो अभी वहां की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम यहां की बात कर रहे हैं। आप भी मध्य लोक में हो और हम भी मध्य लोक में हैं। आपके भी अभी संसार दशा है, मुक्त नहीं हुए हो और हम भी यहीं पर विराजमान हैं। आपको भी अभी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है और हम भी अपूर्ण हैं। क्या फर्क दिखाई दे रहा है, हमें तो एक समान दिखाई। तो इतनी जब सिमिलरिटी देखी तो ये जीव तैयार हो गया अनंतों से मिलान करने का। कॉम्पिटिशन भी मतलब वहां किया जाए जहां थोड़ी सी संभावना हो जीतने की। अभी सिद्धों से मिलान करने में पहले ही ये पता लग जाएगा, अरे यार कहां उनका हमारा कहां मिलान हो ही नहीं पाएगा, तो फिर करना ही नहीं। ये तो फर्स्ट स्टेप में ही अलग कर देता है, इनसे मेरा कोई मिलान नहीं हो सकता, भाई साहब आप रहने दो, इनसे हमें कोई बराबरी नहीं करनी है। फिर कहा इनसे कि हाँ इनसे करके देख लो, ये तो यही है। तो अरहंत क्योंकि सामने दिखाई देते हैं इसलिए अरहंतों से मिलान की बात इस गाथा में कही गई है। कोई समझ में अरहंतों से मिलान की बात क्यों कही, कहीं तो समानता दिख रही है, मोटी मोटी बुद्धि वालों को कुछ तो नजर आ रहा है। अरे यदि उन अरहंत परमात्मा के आसपास में लोग जय जयकार करते हुए देव लोग दिखाई दे रहे हैं तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मध्य लोक में भी मनुष्य गति के जीवों की जय जयकार करने के लिए स्वर्ग से देव उतर आते हैं, तो हमें कोई फर्क नजर नहीं आता है। क्या हो गया है, आखिर खेल सकते हैं, मुकाबला हो सकता है उनका और हमारा, बराबरी का देखते हैं कि क्या कम ज्यादा बैठता है कुछ। तो मुकाबले के लिए तो आपने तो ऊपर चढ़ा लिया कुर्ता, ऊपर चढ़ा लिया सुनील भाई ने तो मुकाबले की बात कहते ही। ठीक है कोई बात नहीं, तो देखें जरा क्या कमर नहीं कसी तो कुर्ता कस लिया। कोई बात नहीं, चलो देखो गाथा याद हुई क्या किसी को, सामने वालों को तो किसी का हाथ ही खड़ा नहीं होता है। छोटे बच्चे होते तो फटाफट हाथ खड़ा करते, नहीं उधर 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 की तो बात ही नहीं, उस तरफ तो देखना ही नहीं अपने को, अपना तो पाला ही इधर है, बीच में बाउंड्री है। देखो आधी आधी लाइन बोलता हूँ, याद करना अनुज भाई, कल सुनूंगा, कल कितने लोग सुना पाएंगे, बैठे बैठे याद करते रहना, ठीक है ना। याद करने में प्रवचन भूल मत जाना जो मैं सुना रहा हूँ। जो जान दिया हंतम दवत गुणत पज्यते हिम, कठिन तो नहीं है। जो जान दिया हंतम दवत गुणत पज्यते हिम, जान दिया पाणम मोहो खलु जादितासलयम, जो जान दी जो जानता है। यार बस आपके मोक्ष मंडल में यही तो एक प्रॉब्लम है ना, कुछ करने की नहीं कहते, बस जानो जानो। आप जब जब बोलते बोलते हो बस, करना कुछ नहीं, अकेले जानने से क्या होगा नितिन भाई, जानने से काम हो जाएगा, करना तो पड़ेगा ना कुछ, तो बिना किए हुए काम हो जाएगा। अकेला जानो जानो बस जानो जानो, अरे जान लिया है, जान के कोई आगे तो बताओ आप कुछ तो, कि नहीं भाई कीमत जानने की है, वैल्यू जानने की है। भाई साहब जानने की कितनी कीमत है ये मैं नहीं आप जानते हैं, हम कहां जानते। अभी तो वो अमिताभ बच्चन खिला रहा है करोड़पति, 7 करोड़ किसके पल्ले पड़ते हैं, 7 करोड़ मिलते हैं नहीं पड़े, मालूम है सुना है, देवलाली वालों को नहीं पता,
ज्ञान की कीमत है। मजदूर है ना, मजदूरी करता है, उठा पटक करता है दिन भर, कितने पैसे मिलते होंगे भाई साहब सुबह से शाम तक? यहाँ क्या रेट है? 450। यहाँ मजदूर की रेट कितनी है? 450। आपने तो कराया काम भी 500 रुपये। 500 मान लो, थोड़ा ज़्यादा उधार खुले हाथ से दो, थोड़ा सा 500 दे दिया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, घर में यदि काम चल रहा हो और कारीगर काम कर रहे हो, दिन भर की मजदूरी 500 रुपया उसको देते हैं, उसके ऊपर रखते हैं अपन एक ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा मिलता होगा? कितना मिलता होगा उससे? कम के ज़्यादा? ज़्यादा मिलता है। कितने पत्थर फोड़ता है? क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं फोड़ता है। रजनी भाई कितना काम करता है वो? अच्छा करता क्या है वो यार, करेगा क्या ये बताओ? पैसे तो लेगा, कोई बात नहीं, पैसे दे देंगे, लेकिन करेगा क्या है? देखेगा? कुछ नहीं करेगा। माने वो जो पत्थर पड़े बाहर उनको उठा करके अंदर नहीं लाएगा, कुछ ईंटें जोड़ेगा नहीं, कुछ कुछ काम नहीं करेगा, फिर भी पैसे ज्यादा लेगा। वो जैन कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर भी वो कुछ भी, कभी मान लो कारीगर नहीं आए, कभी कुछ नहीं हो तो थोड़ा बहुत हो हेल्प भी करा दे, मान लो थोड़ा बहुत पकड़ा दे, खड़ा खड़ा ठीक है कोई बात नहीं, चल मैं थोड़ा सा कुछ कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन काम करता नहीं है वो, काम करना उसकी जिम्मेदारी में नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। फिर एक और सज्जन है उसके ऊपर है इंजीनियर साहब, वो दिन भर खड़े नहीं रहते, कम से कम ये दिन भर खड़ा तो रहता है। वो जो है ना इसके ऊपर वाला, वो दिन भर में एक आध चक्कर लगाता है, कभी कभी तो दो दो चार चार दिन तक नहीं आता है, और आकर के एक बार चक्कर लगा करके देख करके चले जाता है। क्या करता क्या है वो, पैसे कितने लेता है? यहां कोई इंजीनियर है क्या? है तीन चार, अभी थोड़ी ना बोलेंगे। पंडित जी हैं, मैं तो इसकी बात करता हूँ, सिविल इंजीनियर की बात करता हूँ। देखो आप, रजनी भाई खुद बैठे हैं यहाँ पे। और फिर उनके ऊपर भी एक और ऐसा बैठता है, वो साइड पे ही नहीं आता, वो अपने ऑफिस में लैपटॉप खोल करके बैठता है बस, और 10-25 साइट चलती है जहां जहां जो भी चल रही है, और बस वो चीफ इंजीनियर, वो कितना पैसा कमाता होगा भाई साहब? 500 रुपया तो रोज कमाता होगा। क्या बात कर रहे हो, 500 रुपया रोज। करता क्या है अनुज भाई, वो करता क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करता। किस बात के पैसे ले रहा है बाबू भाई? सब लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि नहीं भाई साहब, उसकी नॉलेज की कीमत है, उसके ज्ञान की कीमत है, उसकी एडवाइस की कीमत है, क्या कुछ नहीं कर रहा। देखो जो व्यक्ति जितना काम करता है, जो करता है वो नौकर है, वो चपरासी है, और जिसको नहीं करना है वो मालिक है। जिसको जितना काम कम करना है उसका लेवल ऊपर चढ़ता चला जाता है, जिनको कुछ नहीं करना सादी अनंत काल तक स्वरूप में विराजमान, उनका लेवल कितना कि उनसे ऊपर और कुछ नहीं, लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान सिद्ध परमात्मा। भाई साहब ये जानने की कीमत दुनिया में भी दिखती है, यहां जानने की कीमत कैसे नहीं होगी। रही बात इसकी कि आप ये कहते हो कि यहां सभा में गद्दी पर बैठ करके बातें ही बातें करते हो, तो मैं आपसे पूछता हूं, महावीर भगवान 30 साल तक समाज शरण में बैठ करके क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे शरीर में? सिर्फ वाणी, वो भी स्वयमेव अपनी योग्यता से, वे तो ज्ञाता दृष्टा भाव से थे। भाई साहब ये जानने का काम साधारण काम नहीं है, ये जानना आसान नहीं है। जानना तो तेरा स्वभाव है, लेकिन उस स्वभाव रूप से रहने में तेरा पुरुषार्थ काम करता है।
पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा। अब जाने किसको, अब वो पद्धति की बात करते हैं, जो जाना थी जानो जानो जानो, बस जानते रहो कि किसको, कि अरहंतम अरहंत को, अरहंतम अरहंत को, द्वितीय है ना, अरहंत को कैसे जाने कि दवत द्रव्य बने जाओ, गुणत गुण बने जानो, पज्यते हिम और पर्याय बने जानो। ठीक है सब, अरहंत को जानने के लिए आप कह रहे हो जान लेंगे, द्रव्य बने, गुण बने, पर्याय बने, हम जान लेंगे, लेकिन उनको जानने से अपना स्वरूप जानने में आएगा, बिल्कुल आएगा। सो जाना दी, जो जाना दी, पहली लाइन में लिखा, दूसरी लाइन में लिखा सो जाना दी, जो जाना दी अरहंतम, सो जाना दी अपानम। जो अरहंत को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, लेकिन कैसे कि द्रव्य गुण पर्याय बने जानता है तो उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। तस्वलयम, अब नीचे देखो, अन्वयार्थ तो हो गया ना, पढ़ा नहीं, पढ़ देता हूं नीचे भी पढ़ देता हूं वापस, अन्वयार्थ देखो, जो अरहंत को द्रव्य पने, गुण पने और पर्याय पने जानता है वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होता है। एक समस्या है, अरहंत भगवान को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानता है, तो अरहंत अवस्था द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? अरहंत है ना, अरहंत तो, अरहंत द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? अरहंत तो पर्याय है, तो अरहंतों की पर्याय को पर्याय पने कैसे जाने? क्या कह रहे हैं, द्रव्य पने जानो, किसको, उस पर्याय को, अरहंत को द्रव्य पने जानना है ना, अरहंत को द्रव्य पने जानना है तो अरहंत तो पर्याय है, अब उस पर्याय को द्रव्य पने कैसे जाने, उस पर्याय को गुण पने कैसे जाने? पर्याय तो पर्याय रूप से दिखेगी, ठीक है, इतनी तो समझ में आती है बात कि नहीं भाई, यहां जो आचार्य देव बात कर रहे हैं ये उस अरहंत पर्याय में द्रव्य और गुण सहित उसको अभेद करके बात कर रहे हैं, उसको मिला करके हमें देखना है। तो ये कहते हैं यहाँ पर आचार्य अमरचंद्र स्वामी टीका में कि जो वास्तव में अरहंत को, अभी वास्तव में और कह दिया, इसका मतलब वास्तव में नहीं जानते हम लोग, जो वास्तव में अरहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में व्यवहार से अंतर नहीं है। निश्चय से लिखा है क्या, निश्चय आप लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब मैं बेईमानी नहीं कर सकता, निश्चय से अंतर नहीं है, परमार्थ थे अरहंत में और मेरे में अंतर नहीं है, द्रव्य गुण और पर्याय पने तीनों पर अंतर नहीं है। द्रव्य देखो जरा, अरहंत परमात्मा का द्रव्य देखो, अभी द्रव्य किसे कहते हैं इसे ये नीचे लिखेंगे, है ना, तो आप क्या चाहते हैं बोलो, यही समानता बताऊं कि नीचे चल के बताऊं, नीचे पढ़ू, नीचे और पढ़ो, जब मैंने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पढ़ेंगे ना तो फिर अपन समानता की बात करेंगे। अभी तो इतनी बात तो इन्होंने बता दी कि अरहंत भगवान के ये तीन, अरहंतों के द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, और अपनी आत्मा में भी तीन बातें, द्रव्य भी, गुण भी और पर्याय भी, और निश्चय से इनमें कोई अंतर नहीं है, और अरहंत का स्वरूप अंतिम ताप को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है, माने सर्व प्रकार से स्पष्ट है, इसलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। ये समझ में क्या क्या समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं अरहंतों को जानने की बात क्यों कह रहे हो यार, अरहंतों को बीच में क्यों ले आए आप डायरेक्ट आत्मा को जानने की बात क्यों नहीं करते हो? नहीं नहीं समझ में आई, ये बीच में ये ऐसे ट्रायंगल क्यों घुमा रहे हो, ये जानना अपने को है, मुझे अपने आप को जानना है, फिर कहा तुम उसको जानो, फिर उसको जान करके फिर कैसे हो, ये क्या चक्कर है? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, क्या प्रश्न क्या है मेरा, मेरा प्रश्न ये है,
आपको यदि अपने आप को जानना है तो तुम अपने आप को जान लो। तुम ये क्यों कहते हो कि तुम्हें जानने के लिए पहले उधर और फिर उधर से घूम करके फिर इधर, ऐसा काहे को घुमाते हो हमारे को, ये चक्कर क्यों कराते हो? तो यहां ये कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, ये चक्कर नहीं करा रहे हैं हम आपको। एक्चुअल में आपको अपनी आत्मा का असली स्वरूप तभी समझ में आएगा जब तुम अरहंत को देखोगे। कल तो गुरुदेव का व्याख्यान चला था सुबह, तो उसमें बार बार कह रहे थे वो, तेरा वास्तव में स्वरूप तो सिद्ध समान ही है ना। असली स्वरूप यदि तू देखेगा तो सिद्ध समान ही है, लेकिन चूंकि सिद्ध दिखते नहीं है ना, इसलिए तुझे अरहंतों से मिलान करके बतलाते हैं कि उनसे मिलान क्यों करा रहे हो। इसलिए करा रहे हैं कि उनको देख करके तुझे पता लगेगा, जैसे ये अनंत सुखी हो गए ऐसा अनंत सुखी मैं भी हो सकता हूं, कोई फर्क नहीं है यार। तुम कौन सा बिजनेस करते हो भाई साहब? कपड़े का, शेयर बाजार का। हाँ जो ये शेयर बाजार का बिजनेस करते हैं, तो ये जब दूसरे शेयर बाजार वाले को देखते हैं तो इनको विश्वास होना चाहिए कि अभी शेयर मार्केट इतना डाउन होने पर उसके इतने चले गए तो मेरे भी चले जाएंगे। दूसरे को देख करके दिखता है ना ऐसा, अभी इतना जा रहा है ना मार्केट, डाउन जा रहा है, डाउन 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 डाउन। नवीन भाई बता रहे थे एक महीने से डाउन डाउन जा रहा है, यहाँ डाउन का काम ही नहीं है, अपने यहाँ तो ऊपर ऊपर चढ़ने का काम है भाई साहब। अपने यहाँ तो ये कह रहे हैं तुम इतने डाउन में बैठे हो कि इससे नीचे डाउन जाता ही नहीं है। अपन खड़े हैं पहले गुणस्थान में, बोले सुन यदि तू समझेगा नहीं तो नीचे चला जाएगा, कि नीचे कहाँ जाऊंगा मैं जिस लेवल पर खड़ा हुआ हूं पहले गुणस्थान में, इससे नीचे तो कहीं जाने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए एक डर तो अपने अंदर से निकाल देना कि कोई कहे कि तुम गलत जगह अटक गए, फंस गए और गिर जाओगे और खत्म हो जाओगे और ये कुछ नहीं, बोले मैं जिस लेवल पर हूं यहां से गिरने की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब फ्यूचर 100% ब्राइट है, क्योंकि यहां नुकसान का काम नहीं है, यहां तो चढ़ने का ही काम होगा। और कितना चढ़ पाएंगे? तो ये कह रहे हैं आप इतना चढ़ोगे, इतना चढ़ोगे, इतना चढ़ोगे कि जिसके ऊपर चढ़ने की गुंजाइश ही नहीं होगी, उस लेवल तक आप पहुंच जाओगे, सिद्धालय पर जाकर के विराजमान हो जाओगे। तो अरहंतों से मिलान करा रहे हैं। तो हमें ये कहना है कि अरहंतों से मिलान कराने में यदि आप अरहंतों को देखने की बात कहते हो तो अरहंतों को देखना तो शुभ भाव है भाई साहब। अभी पीछे तुम शुभ भाव की इतनी धुनाई कर रहे थे, 79 में इतनी जबरदस्त धुनाई करके आए हैं और शुभ भाव की, उस शुभोपयोग परिणाम की, उसमें अटकने की हमें आपसे उम्मीद नहीं थी प्रभु, की आगे कदम बढ़ाकर तुम फिर दोबारा हमारे को अरहंत को जानने में लगाओगे। दोबारा शुभ में लगा दिया, शुभ से हटाकर के शुभ में लगा दिया ना, कि नहीं भाई सुनो तो सही, ये बड़ा चक्कर है इसमें। ये जो अरहंतों को जानने वाला शुभ भाव है, ये अरहंतों को जानने वाले शुभ भाव की दिशा बदल गई है। वो जो तुम्हारा शुभ भाव था जो आज तक हो रहा था, उस शुभ भाव की दिशा गलत दिशा में थी, विपरीत दिशा में थी। अब ये है तो शुभ भाव, लेकिन ये शुभ भाव शुभ के लिए नहीं है, ये शुभ भाव गर्भित शुद्धता वाला, शुद्धोपयोग की तरफ ले जाने वाला भाव है। ये दर्शन मोह के क्षय की तरफ बढ़ता हुआ भाव है भैया, इसमें गर्भित शुद्धता मौजूद है। कांटा होता है ना, कांटा कांटा चुभ जाए तो क्या करना, उसको निकालने के लिए कांटे से निकालना, कांटे से वो कांटा और ज्यादा अंदर भी चला जाता है। तो क्या करना पड़ेगा कि जिधर से कांटा लगा हो उधर से नहीं, उसके विपरीत दिशा से, माने कांटे की दिशा बदलकर प्रयोग करोगे तो वो कांटा कांटा निकालने में सफल हो जाएगा। रोड पर चलते हुए एकदम एक कांटा लग गया, बहुत सारे कांटे थे, गार्डन से गुजर रहे थे और एक कांटा पैर में लग गया। अब बताओ उस कांटे को निकालने के लिए क्या करें? घर में कांटा लग जाता है तो आप सुई उठा लेते हो, सुई से निकाल लेते हो। अब वहां कांटा लगाए तो क्या करेंगे कि पास में और कांटे रखे थे वैसे ही, अरे क्यों कर रहे हो? अब छोटा बच्चा था,
उसके पैर में कांटा लग गया, वो रोने लगा। और हमने कहा रुक मैं निकाल देता हूँ, तो खुश हुआ एकदम। फिर हमने दूसरा कांटा उठा करके लगाने की कोशिश, अरे क्या कर रहे हो आप, यही तो चुहा है। कि बेटा ये जो चुहा है ना, ये अब इसकी दिशा बदलनी है। ये जो शुभ भाव था ना, इस शुभ भाव की दिशा बदल गई। अभी तक जिसकी धुनाई कर रहे थे वो शुभ भाव हमारे को कहां ले जाने वाला था, महादुख संकट निकट है वहां ले जाने वाला था। अब ये जो शुभ भाव है, ये शुभ भाव शुद्धोपयोग की तरफ ले जाने वाला है। ये साधारण नहीं है। शुभ भाव का भी अवलंबन कौन सा, देखो जिनेंद्र देव की पूजन करना भी शुभ भाव है, भक्ति करना भी शुभ भाव है, स्वाध्याय करना भी शुभ भाव है, दान देना, व्रत उपवास आदि करना, ये सब शुभ भाव है। लेकिन दर्शन मोह के नाश होने के तत्काल पहले होने वाला शुभ भाव कैसा होता है वो यहां बता रहे हैं। हर व्यक्ति बात करता है, अरे साहब शुभ तो होगा ही ना, शुभ तो, अरे भाई शुभ लेकिन कौन सा शुभ, सारे ही शुभ हैं, सभी शुभ हैं, हम तो कौन से शुभ की बात कर रहे हैं। ये वो शुभ भाव अरहंतों की को जानना, द्रव्य गुण पर्याय से जानना, ये वो शुभ भाव है जो शुभ भाव अब मरता हुआ शुभ भाव है, जो गलता हुआ शुभ भाव है, जो नष्ट होने वाला शुभ भाव है, उस भाव की बात कर रहे हैं। अरहंत का स्वरूप कैसा है, अंतिम ताव, ताव जानते, ताव मतलब गर्मी, अग्नि में तपाया जाना, अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति गोल्ड अग्नि में तपाया जा रहा है, और अग्नि में तपाए जाने पर धीरे धीरे वो परिष्कृत होता जा रहा है, गोल्ड धीरे धीरे निर्मल होता जा रहा है। उसकी जो किट्टी कालिमा है वो नष्ट होती चली जा रही है। फिर और तपाया, और तपाया, और तपाया, और तपाया, और तपाया, तपते 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 ये 16 ताव अंतिम ताव लगने पर वो कैसा हो गया, पर स्पष्ट, सर्व प्रकार से स्पष्ट है, बराबर। अब ये अरहंतों को देखा हमने, अरे यार ये माल तो था, ये जो फिनिश्ड गुड्स दिखाई दे रहा है ये वही तो है जो रॉ मेटेरियल मेरे पास में, सेम है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए मिलान करने की बात कर रहे हैं, एक खान से निकला हुआ गोल्ड है और एक अंतिम ताव को प्राप्त गोल्ड है, बोलो दोनों में क्या फर्क है, कुछ फर्क है कि नहीं है, या नहीं है, है फर्क, गोल्ड में फर्क नहीं है, गोल्ड में फर्क नहीं है, शुद्धता में फर्क है, शुद्धता में भी फर्क नहीं है, तो फर्क है या नहीं है, क्या कहना क्या चाहते हो आप लोग, स्पष्ट क्यों नहीं कहते हो, ऐसे घबराते हुए क्यों बोलते हो, किसकी पर्याय में फर्क दिख रहा है, अच्छा दोनों की पर्याय में फर्क दिखाई दे रहा है आपको, अच्छा वो जो खरीदने वाले होते हैं ना, जो पारखी होते हैं, उन्हें पर्याय में भी फर्क नहीं दिखता, क्या शैलेश भाई, अभी जिसको पर्याय में फर्क दिखता है वो उसको काला कलूटा सोना जान करके ये खरीदूंगा क्या मैं, अच्छा जिसको पर्याय में फर्क दिखता है वो उसकी कीमत नहीं कर पाता, उसकी कीमत किस कहां मिलेगी, बोलो उसकी कीमत सुनार के यहां मिलेगी, अरे वो अशुद्धता जाने की तो बात अलग है, वो तो अभी खोट सहित गोल्ड को भी खरीद रहा है, जिस गोल्ड में खोट है उसे वो खरीदता है कि नहीं खरीदता है, सुनार तो कैसे खरीदता है, कैसे खरीदता है, पर्याय में शुद्धता देखकर खरीदता है कि अशुद्धता देख के खरीदता है, अरे उसे शुद्धता दिखाई दे रही है प्रभु, क्या उसे उस वर्तमान पर्याय में शुद्धता दिखाई दे रही है, आंखों में उसके वो चमकता हुआ गोल्ड दिखाई दे रहा है, वर्तमान में काला दिखने के बावजूद भी, कालापन दिखने के बावजूद भी उसको कालापन नहीं दिखाई दे रहा है, मलिनता दिखाई देने पर भी मलिनता को नहीं देख रहा है, क्योंकि यदि वो मलिनता को देखे तो वो गोल्ड को खरीद नहीं सकता। रब खरीदने वाले, ज्वेलरी का काम करने वाले,
कई लोग होंगे यहां पर भी, क्या करते हैं, रब खरीदते हैं मार्केट से, फिर क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं जयपुर में, जगह जगह बहुत सारे लोग आते हैं, पूरे देश के लोग जयपुर आते हैं काहे के लिए, मूर्ति के लिए, मूर्ति बननी है, पत्थर देखते हैं, पत्थर तलाशते हैं, अच्छा अच्छा बड़ा पत्थर खरीदते हैं। आजकल तो ये भी होता है ना, पहले पत्थर देखते हैं, फिर पत्थर का वो उसका आयोजन करते हैं, पत्थर देख करके उसका स्वस्तिक वगैरह करके धागा बांध करके प्रतिमा बनने के पहले कराते हैं सर दीपक भाई। तो वो जो पाषाण का शिलाखंड है, उस पाषाण के शिलाखंड में वो मूर्तिकार उस पत्थर को देख करके ये बतला देता है कि पंडित जी इतने इंच की प्रतिमा बनेगी, इतने इंच की प्रतिमा है क्या। अरे हमने वहां इंदौर के लिए आपके ढाई दीप के लिए स्फटिक की प्रतिमा, तो पाषाण था वो बड़ा, बोले इसमें कितने इंच की स्फटिक की प्रतिमा है, कितने की बनेगी। हमारा प्रश्न क्या था कि इसमें कितने इंच की स्फटिक की प्रतिमा बनेगी, और मूर्ति बनाने वाले का जवाब यह था कि इसमें इतने इंच की प्रतिमा है। क्या फर्क समझ में आया, हमने कहा कितने की बनेगी, हम पर्याय दृष्टि वाले, क्या वर्तमान पर्याय को देखने वाले, और वो क्या देख रहा है, वो कह रहा है इतने की है, इतनी है इसमें, ये उसे वर्तमान में दिखाई दे रही है। ये यहाँ यही दिखा रहे हैं भाई साहब, अरहंतों को देखो और अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कि हमारी वैल्यू कितनी है। ये दर दर की ठोकरें खाना ये बर्बाद कर रहा है अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को। एक समय की ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत है, आनंद अतिंद्रिय आनंद के झरने झरे, प्रति समय की पर्याय, एक समय उत्पन्न होने वाली पर्याय, जो विभाव की तरफ, पर पदार्थों की तरफ, राग की तरफ, विषय कषाय की तरफ उन्मुख होकर के बर्बाद हो रही है, वो प्रति समय उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिशा बदलनी है, उस पर्याय की दिशा बदली, वो आनंद का वेदन, और वो अपने स्वभाव के लिए समर्पित हो गई, तो उस आनंद के ऐसे झरने झरने लगते हैं कि वो कभी ना रुके, ऐसा फॉल बहता है। बोलो, ये वो दिखा रहे हैं यहां, देखो क्या कहा, अंतिम ताव को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति, उनका स्वरूप देखा, अंतिम ताव का दिखाई दे रहा है, पर स्पष्ट है, इसलिए उसका ज्ञान होने पर, उसका ज्ञान होने पर, अरहंत परमात्मा का ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। अरहंतों का ज्ञान होगा तो आपको पता लगेगा, देखो अभी ऐसे पता नहीं लगता, क्या होता है, वो पत्थर की बात कर रहे थे ना, अपन मूर्ति के पत्थर की, जब हमने वो पत्थर देखा तो उस पत्थर के अंदर हमारे को थोड़ा मजा नहीं आया, अच्छा नहीं दिखा, तो वो मूर्ति वाला हमारे को क्या करता है, एक दूसरी साफ प्रतिमा दिखाता है, वो कहता है आप ये पत्थर में मत उलझो, आप ये देखो, क्या ये तो बड़ी गजब की है, तो बोले जैसी ये दिख रही है ना, ये ऐसी बनेगी, विश्वास का खड़ा होता है, पाषाण को देखने से पाषाण का विश्वास नहीं होता, मूर्तिकार के कहने से मूर्ति का विश्वास नहीं होता, ये विद्वानों के कहने से इस बात का भरोसा नहीं होता हमारे को। ये आते हैं पंडित, पता नहीं क्या क्या कहकर के चले जाते हैं अपनी भाषा में, इनको पता नहीं क्या मिलता है, क्या क्या सुनाते रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी लंबी लंबी करते हैं, एक समय में ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, अतिंद्रिय आनंद हो जाएगा, और दूसरों को गालियां देते रहते हैं, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, इतना सा नहीं कर रहा है, जगत में भटक रहा है और खुद का ठिकाना ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, तो अभी इनकी मत मानो, तुम तो खुद नक्की करो जी, असली बात ये है, दूसरों के भरोसे दुकान नहीं चला करती है, अपनी दुकान अपनी भरोसे चलेगी। अपने को यदि अपनी दुकान चलानी है तो एक काम करना पड़ेगा कि खुद सीख लो वो कला, कैसे सीखें कि तुम किसी से मत पूछो, तुम एक बार अरहंत परमात्मा को देखो, तुम देखो तुम्हारे यहां बैठा हुआ जो तत्व है वो अरहंत परमात्मा जैसा तत्व है, अन्यून मनतिरिक्तम, किंचित भी कम नहीं और किंचित भी ज्यादा नहीं, ऐसा पावरफुल तत्व है जो इस देह देवालय में विराजमान है, ये कमजोर समझ रहा है।
इसको अभी थोड़ी सी बात करो ना कुछ भी, तो यहाँ से उठने के बाद में दिखता है यहाँ देवलाली में क्या रेट चल रही है आजकल, जमीनों की क्या रेट चल रही है, फ्लैट मिलता है क्या, किसी का खाली है क्या। अरे तेरे तेरी जगह खाली है ऊपर, सिद्धालय में तेरे पास में जगह खाली है, खाली खाली है वहां तो, कि नहीं बिल्कुल खाली होगी तो मन नहीं लगेगा, जंगल में थोड़ी जाना है। अरे पूरी तरह से भरा भरा हुआ है, पूरी बस्ती है वहां सिद्धों की। तुझे खाली पसंद है कि भरा हुआ पसंद है बता, तू तो तेरी पसंद बता तुझे कैसा पसंद है। यदि तुझे अच्छी बसावट पसंद हो तो हम कह रहे हैं 45 लाख योजन की सिद्धालय में 1 इंच जगह भी खाली नहीं है, इतनी बसावट है। यदि तुझे बसावट पसंद है तो ऐसी जगह पर तेरी जगह है, बोल। अब यदि तू ये कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो खाली पसंद है, ज्यादा भीड़भाड़ पसंद नहीं है, तो सुन 45 लाख योजन के एरिया में तुझे जहां जाके विराजमान होना हो सब जगह तेरे लिए खाली पड़ी है, बोल तुझे कहां जाना है, भरोसा तो कर। यह अरहंत परमात्मा के स्वरूप को देख, बिल्कुल वैसा का वैसा निश्चित तेरे सदृश, जो कहीं ना बात अरहंत अवस्था पाऊंगा मैं। देखो एक प्रोसेस किया हुआ है और एक में प्रोसेस चल रही है, इतना सा फर्क है बस। ये प्रोसेसिंग हो रही है और वो प्रोसेस होकर के तैयार हो गए हैं। जो तैयार हो गए हैं उन्हें देख करके अनुमान लगाया जा सकता है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं देवलाली में, यहाँ अपने स्वाध्याय हॉल में, ये सब के सब अभी ये अरहंत बनने की प्रोसेस इनकी शुरू होने वाली है, हुई नहीं है क्या? इनमें से उनकी प्रोसेस शुरू होगी जो वास्तव में अरहंत के स्वरूप की श्रद्धा करेंगे, उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानेंगे और उन्हें द्रव्य गुण पर्याय से जानकर अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद में साइन होंगे आपके, फिर उसके बाद में आपको प्रोसेस में डाल दिया जाएगा दर्शन मोह के नाश के लिए। क्योंकि भाई साहब देखो डॉक्टर भी क्या करता है, ये सुनार होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये लोग सब काम करने के पहले भाई साहब कुछ ऊंच नीच हो जाए, ये लैपटॉप दिखाना हो ना जाकर के उसको, वो कहे इसके अंदर एक पार्ट बदलना है, एक दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो आपसे पहले लिखवाता है, साइन कराता है। इसमें कोई चीज चले जाने पर, आपका कोई डेटा उड़ जाने पर हमारी कोई गारंटी नहीं होगी, फिर कहीं क्लेम कर दो तुम तो। तुम्हारे को भी पहले यहां कहते हैं कि सुन भैया तेरा दर्शन मोह चला जाएगा, तेरा अनुमानबंदी चला जाएगा, पता नहीं कौन कौन से फीचर्स अंदर कम हो जाएंगे, ये जो दिखते हैं ना वायरस क्या, ये जो वायरस थोड़े थोड़े जब कम होंगे तो तू कहीं ऐसा क्लेम नहीं कर दे उल्टा हमारे ऊपर, यार ये क्या किया, मेरे को तो अनंतानुबंधी बहुत पसंद था, मेरे को तो अनंतानुबंधी वापस दिलाओ। तो पहले पक्का निर्णय होता है यहां, पहले भरोसा होता है उस श्रद्धा के ऊपर, उस श्रद्धा की जमीन पर ज्ञान के माध्यम से, श्रद्धा की भूमि और ज्ञान का बीज, श्रद्धा की जमीन में ज्ञान का बीज डालते हैं तो चारित्र का फल लगता है, और वो जो चारित्र का फल लगता है वो चारित्र का फल फलित होने के बाद अरहंतों जैसा सुगंधित दिखाई देता है। वो है मेरे पास में, वो तत्व यहां बैठा हुआ है, वही सुगंध है, कोई फर्क नहीं है कि साहब द्रव्य बने तो फर्क नहीं दिखाई देता है, हम जानते हैं वे भी जीव द्रव्य है, हम भी जीव द्रव्य हैं, ये बातें तो हमने खूब पढ़ ली है प्रवचनों में, शास्त्र सभाओं में, सर्व जीव छह सिद्ध सम, सब समान है, सभी आत्माएं बराबर है, ये तो हमने बालबोध पाठवाला में पढ़ ली थी बात, कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान कोई अलग नहीं होते, ये सब बातें हमने पढ़ ली है। द्रव्य अपेक्षा समानता की बात तो समझ में आती है, गुणों में तो फर्क है थोड़ा सा नहीं है? अरे वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय वाले, अनंत गुण वाले, इन्हीं गुण में भी नहीं है फर्क। जितने गुण तेरे पास में उतने गुण अनंत परमात्मा के पास में, जैसा मेरे पास जितने हैं उतने अनंत के पास में, अच्छा नहीं लगता है ना ऐसा कहें जितने अनंतों के पास में उतने मेरे पास में, तब तो हमें अच्छा लगता है थोड़ा सा, वैल्यू है उनकी या अपनी बढ़ा दी है थोड़ी सी, और आपको उनके पास में उतने, उनके पास इतने ही है जितने मेरे पास में, तेरे पास भी बहुत है, कमी नहीं है। ये साहब कुछ भी कहो पर्याय में तो फर्क है।
देखो द्रव्य गुणों की आप कितनी भी चर्चा करो, और वास्तव में यहाँ इस मुमुक्षु मंडल में, इस सभा में द्रव्य और गुण की समानता बतलाने की कुछ अपेक्षा भी नहीं है। ये तो हम थोड़ा सा मजबूती रहे ना सोचने के लिए, हमारे को नजरिया मिले, इसलिए इतनी बातें कही है हमने दो चार पीरियड में आपके बीच में। लेकिन कोई अपेक्षा नहीं है कि हम द्रव्य और गुणों की समानता की बात करें, असली बात तो पर्याय की समानता की है। अब पर्याय से समान है या नहीं है, क्या कहता है आपका मन सुनील भाई? है, क्या कहते हैं बोलो गंगवाल जी, आप क्या कहते हो? तो समझ में आ गया, तो कल का पीरियड किसी और को दे देते हैं, एक और नहीं आया? सुनो 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 भाई, बड़ा चक्कर है इसमें। आप यदि ये कहते हो कि पर्याय की अपेक्षा समानता है, तो मैं कहता हूं यहां क्यों बैठे हो। और आप यदि ये कहते हो कि पर्याय की अपेक्षा समानता नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा इसीलिए आप यहां बैठे हो। नहीं समझ में सब समझ में आई क्या बात है? वापस बोल करके खत्म करता हूं। एमजे जी तक क्या कहा मैंने, यदि आप ये कहते हो कि पर्याय अपेक्षा हम और अरहंत दोनों समान हैं, तो मेरा ये कहना है फिर आप यहां क्यों बैठे हो? समान हो तो आप वेदी पे विराजमान होते, सिद्धालय में विराजमान होते, 5000 धनुष ऊपर विराजमान होते। यदि समान हो तो इतने पर यदि ये कहो कि नहीं नहीं पर्याय में तो असमानता है, तो फिर मैं कहता हूं इसीलिए तो आप यहां बैठे हो, क्योंकि आपको पर्याय में असमानता दिखती है, इसीलिए ये ऐसी दशा हो रही है। ये समानता और असमानता की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा हम कल अपेक्षित विस्तार से करेंगे, जिसके माध्यम से जो असमानता है वो समानता में बदल जाए और प्रभु का और हमारे बीच का अंतर सदा सदा के लिए मिट जाए।